एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रचना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल मूवमेंट्स के बारे में कि फीटल मूवमेंट जो है कब से सुनना हमें, कब से काउंट करना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए और क्या सही तरीका है फीटल मूवमेंट काउंट करने का और कैसी रहती है ये फीटल मूवमेंट, मतलब कैसे फील होती है और क्या जो साइन है जो हमें दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो यही सारे डाउट जो हैं वो मेरे भी थे, तो जो कि मैंने क्लियर कर लिए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी, प्रेग्नेंट लेडीज, जिनका ये डाउट होगा, जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे, तो क्यों ना मैं उनके ये डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूँ। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो होप यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। और सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन। तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी मंगल में जाए, आपको एक हेल्दी बेबी मिले। तो चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फीटल मूवमेंट क्या है। फीटल मूवमेंट मतलब जब हमें जो बच्चा है, हमारा बेबी है, उसका घूमना, उसका कुछ करना, उसका हरकत करना पता चलता है, उसे हम फीटल मूवमेंट कहते हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि फीटल मूवमेंट जो है वो कब होना शुरू होती है। तो वैसे तो फीटल मूवमेंट काफी अर्ली स्टार्ट हो जाती है, हमें नोटिस में भी नहीं आती, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एक प्रेग्नेंट लेडी फील कर सकती है फीटल मूवमेंट वो करती है इन बिटवीन समवेयर 16 to 20 weeks, मतलब 4 महीने के बाद 5वें महीने में वो कहीं ना कहीं फीटल मूवमेंट को फील करती है। जब वो फर्स्ट टाइम फीटल मूवमेंट को फील करती है उसे ही क्विकनिंग कहते हैं। तो ये जो क्विकनिंग होती है, मतलब फर्स्ट टाइम फीटल मूवमेंट जो एक प्रेग्नेंट लेडी नोटिस करती है वो कहीं ना कहीं 16 से 22 हफ्ते के बीच में महसूस कर लेती है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन से नंबर वाली प्रेगनेंसी है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपको लेट फील हो, और सेकंड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है इससे भी पहले फील हो। सो ये टोटली डिपेंड्स। ओबेसिटी है, मोटापा ज्यादा है तो भी कम चांसेस रहते हैं कि आपको जल्दी पता चले, तब भी फीटल मूवमेंट थोड़ा लेट पता चलती है। तो ये थोड़े से कारण रहते हैं जिसमें फीटल मूवमेंट आगे पीछे आपको फील हो सकती है। मेरी करंटली फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मैं आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट टाइम इवन 5th मंथ खत्म हो गया था जब भी फील नहीं करी थी, 6th मंथ के स्टार्टिंग में ही मैंने जाके फर्स्ट टाइम नोटिस किया था। सो ये टोटली डिपेंड्स। तो इसमें कोई घबराना नहीं है आपको कि अगर 5 महीने हो गए और आपने नोटिस नहीं किया कोई हलचल तो यहाँ पे कोई डाउट है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा नेक्स्ट मंथ 1-2 हफ्ते बाद आ जाएगी। तो इसमें ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जाके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब हमें फीटल मूवमेंट जो है वो काउंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये हमें डॉक्टर वैसे खुद बता देते हैं कि अब आपको स्टार्ट कर देना है, लेकिन यूजली हम 28 हफ्ते के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं काउंट करना। मतलब बेसिकली फीटल मूवमेंट हमें 3री तिमाही में काउंट करना होता है, क्योंकि उस टाइम एक तो बेबी की अच्छी खासी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी मसल स्ट्रेंथ बन गई होती है, जो वो मूवमेंट करता है, जो भी वो अंदर एक्शन लेता है वो स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए अच्छे से हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। इसलिए 3rd trimester में 28 weeks के बाद हमें फीटल मूवमेंट जो है काउंट करना होता है। अब बात आती है कि फीटल मूवमेंट को कैसे काउंट करें, क्या तरीका रहता है। तो देखिए, आप फीटल मूवमेंट को कैसे भी दिन के किसी भी समय में काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चार्ट भी है जिसे बोलते हैं काउंट टू 10 चार्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें खाना खाने के बाद कभी भी आपने दिन का एक समय चुन लो और जब वो आप खाना खा लोगे, प्रेफरेबली खाना खाने के बाद ज्यादा सही रहता है, उसके बाद हमें 10 मूवमेंट काउंट करनी है। हमें ये देखना है कि 10 मूवमेंट जो है वो कितने टाइम में आ रही है। अगर 10 मूवमेंट जो आपके विद इन आर आ जा रही है, 1 घंटे के अंदर 10 मूवमेंट आप काउंट कर ले रहे हो, देन इट्स एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप 2-3 घंटे तक भी 10 मूवमेंट नहीं काउंट कर रहे हो तब आपको जाके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, डॉक्टर को बताना है। मैं तो बोलूंगी कभी भी डॉक्टर को बताने के लिए डिले मत करो, लेकिन समटाइम्स ऐसा जरूर होता है कि बेबी जो है सोया होता है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर बाद जैसे आपने अभी खाना खाया और 10 काउंट किया, अगर बाई चांस 10 काउंट नहीं होता है 2-3 घंटे के बाद, उसके बाद आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद एक मील या कुछ स्नैक लेने के बाद फिर से ट्राई करें। अगर फिर से नहीं होता है तो उसके बाद आप डेफिनेटली डॉक्टर को जाइए, रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेबी सोया होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बेबी सोया ही होता है हमारे
यूट्रस में। इसलिए हमें 2 टाइम्स तो ये चेक करना ही चाहिए, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है तो बिना किसी देरी के जाना है और डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो हमें करना होता है काउंट टू 10 चार्ट, ठीक है, जिसमें हमें खाना खाने के बाद 10 मूवमेंट काउंट करनी है। अब ये मूवमेंट किस तरीके की हो सकती है, अगला क्वेश्चन ये रहता है। देखिए, मूवमेंट जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो, कभी मूवमेंट आपको जर्की फील होगी, जैसे कुछ मार रहा है, जैसे बेबी मार रहा है, अपने टांग मार रहा है, हाथ मार रहा है, कभी जो मूवमेंट होगी वो ट्विस्ट होगी, बेबी घूम रहा है, ठीक है, कभी मूवमेंट रोलिंग होगी, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है अपना, पूरा घूम रहा है, तो बेबी जो है कभी कभी हमें ऐसा फील होगा, कभी कभी उसको हिकअप्स आएंगे, तो कभी कभी बिल्कुल छोटी छोटी मूवमेंट फील होगी, ठीक है। तो ये जो है सारी मूवमेंट हो सकती है डिफरेंट टाइप की, ठीक है, जर्क ले सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, रोल कर सकता है। अब बात आती है कि ये मूवमेंट हमें बेसिकली क्यों बोलते हैं डॉक्टर काउंट करने के लिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लास्ट सेमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, साइज बढ़ रहा होता है, और उसके कंपेयर में जो हमारे पानी का लेवल है जो बेबी के चारों तरफ होता है वो कम हो रहा होता है। इसलिए उस टाइम ये न्यूट्रिएंट्स बेबी को प्रॉपर मिल रहे हैं, प्लेसेंटा जो है जो न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचा रहा है वो सफिशिएंट मात्रा में पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, बेबी की स्ट्रेंथ अच्छी है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और साथ ही साथ बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए फीटल मूवमेंट काउंट कराया जाता है, वही एक जो है एक कंफर्टेबल और बहुत ही मदर जो है इजिली कर सकती है इस तरीके को यूज, इसलिए फीटल मूवमेंट काउंट कराई जाती है। इससे पता लगता रहता है कि बेबी अंदर एक्टिव है, बेबी अंदर लाइव है, कोई बेबी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो बेबी की हार्ट बीट जो है मतलब वर्किंग है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कैसे हमें ये बेबी मूवमेंट जो है काउंट करनी चाहिए। तो जब भी आपको बेबी मूवमेंट काउंट करनी है तो मैंने आपको बताया आपको स्नैक लेना है, जैसे आपने खाना खा लिया उसके बाद आप जो है लेफ्ट साइड लेट जाइए और आराम से अपनी नीज को बेंड कर लीजिए, लेफ्ट साइड लेट जाइए, और उसके बाद आराम से सिर्फ फोकस करना है बेबी मूवमेंट्स पे और किसी चीज पे नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा आराम से आप जैसे बैठ के अपनी लेग्स को थोड़ा ऊपर करके, ठीक है, ऐसे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और तब भी आप अपनी जो है बेबी की मूवमेंट्स काउंट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब भी आपको फीटल मूवमेंट काउंट करनी है तो उसके अलावा अगर आप कोई और काम ना करें तो वो बेस्ट रहेगा, उससे आप अच्छे से कंसंट्रेट भी कर सकती हैं और आपको अच्छे से किस टाइप की किस पैटर्न की मूवमेंट्स है वो भी पता चलेगा। तो वो भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके फीटल मूवमेंट्स आ रहे हैं लेकिन पैटर्न चेंज है, वो उस पैटर्न से फॉलो नहीं हो रहा है, अब एकदम से पैटर्न चेंज हो गया है, तब भी वो बात आपको डॉक्टर को बतानी होती है। इसलिए जब भी आपको फीटल मूवमेंट काउंट करनी है तब बाकी कामों को छोड़ दीजिए और सिर्फ कंसंट्रेट करना है फीटल मूवमेंट्स पे। राइट टाइम क्या रहेगा, टाइम का कुछ ऐसा नहीं है मैंने बोला, लेकिन प्रेफरेबली अगर आप हर दिन सेम टाइम पे काउंट करो तो वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आप मुझे मान सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले आप तब काउंट कर देना आफ्टर मील। तो अब बात कर लेते हैं कब आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। देखिए, अब आप जैसे आप फीटल मूवमेंट काउंट करते हैं, जिसे FMC कहते हैं, फीटल मूवमेंट काउंट, अगर उसके पैटर्न में आपको चेंज मिलता है, जैसे आप लगातार नोटिस कर रहे थे एक अलग टाइप की आपको मूवमेंट्स दिखती थी, लेकिन सडनली आपको एकदम से अलग मिल रही है, एकदम से जर्की, एकदम से ऐसे लग रहा है फीटर जो है वो, हमारा बेबी जो है वो स्ट्रेस में है, तब आपको रिपोर्ट करना है। दूसरा, अगर आपको फीटर मूवमेंट्स जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कम मिल रही हैं, कम फील हो रही हैं, तब भी आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। या तीसरा, फीटर मूवमेंट्स आपको फील ही नहीं हो रही है, ठीक है, तब तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है और एकदम से रिपोर्ट करना है। तो अगर फीटल मूवमेंट के पैटर्न में चेंज है, नंबर में चेंज है या नहीं मिल रही है, तब आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। सो गाइज, ये था ऑल अबाउट फीटल मूवमेंट काउंट, फीटल मूवमेंट्स कब शुरू होती हैं, कब हमें काउंट करना एक्चुअली में स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या सही तरीका रहता है काउंट करने का, और कब डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर आंसर्स। तो यहाँ पे वीडियो होती है खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। बाय बाय।